इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ऑपरेशन के कई किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। इन्हीं में से एक है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसमें इजराइल ने अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर स्थित एक शत्रु देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित छुड़वाकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। 27 जून 1976 की घटना, इजराइल के व्यस्तम शहर तेल अवीव से एक फ्रांसीसी यात्री विमान लगभग 248 लोगों को लेकर फ्रांस की राजधानी पेरिस जा रहा था। बीच में यूनान की राजधानी एथेंस में कुछ देर रुकने के बाद विमान ने जैसे ही आगे की यात्रा शुरू की, चार यात्री उठे, जिनमें दो फलिस्तीनी व दो जर्मनी थे। उनमें जो एक महिला थी, उसने अपने हाथों में छुपाए ग्रेनेड को दिखाते हुए चेतावनी दी कि यदि किसी ने चूं चपड़ किया तो पूरे विमान को उड़ा देगी। विमान को इन चारों ने हाईजैक कर लिया था। धमकी के बल पर ये सभी विमान को मुड़वाकर अफ्रीकी देश लीबिया के शहर बेनगाजी लेकर गए। 7 घंटे वहां रुके, वहां उनके साथ और अपहरणकर्ता जुड़ गए, जिससे इनकी कुल संख्या 7 हो गई और बेनगाजी से ये सभी विमान को लेकर पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा के एयरपोर्ट एंटेबे लेकर पहुंच गए। इस समय युगांडा पर तानाशाह ईदी अमीन का शासन था। ईदी अमीन ने अपहरणकर्ताओं के साथ पूरा सहयोग किया। एंटेबे हवाई अड्डे की एक पुरानी इमारत में इन सभी विमान यात्रियों को बंधक बनाकर रखा गया। इनमें 94 यहूदी यात्री और फ्रांसीसी विमान चालक दल के 12 सदस्य यानी 106 लोगों को छोड़कर बाकी सभी यात्रियों को 2 दिनों के भीतर रिहा कर दिया गया। अपहरणकर्ताओं ने इजराइल से मांग की कि उसकी जेल में जो 40 फलिस्तीनी और 4 अन्य देशों में 13 अन्य फलिस्तीनी कैद है, उन सभी को रिहा किया जाए, अन्यथा वे सभी 106 बंधकों को मार देंगे। इजराइल में आपातकालीन बैठक बुलाई गई। तब प्रधानमंत्री थे यित्जिक राबिन। इजराइल से युगांडा की दूरी तकरीबन 4000 किलोमीटर है। ऐसे में वहां जाकर अपने लोगों को छुड़ा कर लाने जैसा दुस्साहस दुनिया में शायद ही कोई देश कर सकता था। तब जब फ्रांस के यात्री विमान सहित फ्रांसीसी विमान चालक दल के 12 सदस्य भी थे, पर फ्रांस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 3 रास्ते थे, सड़क मार्ग से केन्या होते हुए घुसा जाए, या समुद्री मार्ग से जाया जाए, या फिर हवाई मार्ग से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। तय हुआ कि हवाई मार्ग से ऑपरेशन थंडरबोल्ट को अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए इजराइल के सबसे बेहतरीन 100 कमांडोज को चुना गया। ब्रिगेडियर जनरल डेम शोमरोन को मिशन का प्रमुख चुना गया और लेफ्टिनेंट कर्नल योनातन नेतन्याहू को ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया गया। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को काम पर लगा दिया गया। मोसाद के एक एजेंट ने युगांडा के पड़ोसी देश केन्या से विमान किराए पर लेकर एंटेबे हवाई अड्डे की कई तस्वीरें खींच अच्छे से जानकारी जुटाई। जानकारी मिली कि एंटेबे हवाई अड्डे के जिस इमारत में बंधकों को रखा गया है, उसका निर्माण इजरायली कंपनी ने ही किया था। फिर क्या था, कंपनी ने पूरी इमारत के नक्शे को लिया, वैसा ही ढांचा तैयार किया। सभी कमांडोज को रिहर्सल करवाई गई कि युगांडा के सैनिकों व अपहरणकर्ताओं से कैसे निपटना है। इस दरमियान इजराइल सरकार अपने स्तर से ईदी अमीन से संपर्क कर रही थी। उसे ये भ्रम होने दिया जा रहा था कि इजराइल सरकार अपहरणकर्ताओं से बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत को लेकर तैयार है। ऐसा इसीलिए ताकि इजराइल को ऑपरेशन के लिए आवश्यक समय मिल सके। इस बीच युगांडा का आश्वस्त तानाशाह ईदी अमीन अफ्रीकी एकता संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने मॉरिशियस की राजधानी पोर्ट लुई रवाना हो गया था। अतः इजराइल को समुचित समय मिल गया, यानी ईश्वर भी इजराइल की मदद कर रहे थे। 3 जुलाई को शाम में इजराइल के साइनाई एयरबेस से 4 हरक्यूलिस विमान महज 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए लाल सागर को पार कर गए। ऐसा इसीलिए ताकि मिस्र
सऊदी अरब व सूडान के राडार उन्हें पकड़ ना सके, अन्यथा इजराइल के ये दुश्मन तुरंत अपहरणकर्ताओं को आगाह कर देते। अब 4000 किलोमीटर जाकर वापस 4000 किलोमीटर लौटना भी था, अतः बीच आकाश में इन चारों विमानों में ईंधन भी भरा गया ताकि रास्ते में ईंधन की दिक्कत ना हो। रास्ते में ही इजरायली कमांडोज ने युगांडा के सैनिकों की वर्दी पहन ली थी। एक हरक्यूलिस विमान को खाली ले जाया गया था ताकि वापसी में इसमें यात्रियों को लाया जा सके। 7 घंटे की लगातार उड़ान के बाद ये विमान युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर रात 1 बजे चुपके से पहुंचे। अब तारीख थी 4 जुलाई 1976, यानी यात्रियों को बंधक बने लगभग 1 सप्ताह होने को था। इजरायली कमांडोज अपने साथ एक काली मर्सिडीज भी लेकर गए थे क्योंकि ईदी अमीन काली मर्सिडीज में ही चलता था। ऐसा इसीलिए ताकि युगांडा के सैनिकों को लगे कि ईदी अमीन मॉरिशियस से लौटकर बंधकों को देखने आया है। यहीं पर एक गड़बड़ हो गई। दरअसल कुछ दिनों से ईदी अमीन काली की बजाय सफेद मर्सिडीज में चलने लगा था, अतः युगांडा के सैनिकों ने काली मर्सिडीज देखते ही इन लोगों पर राइफल तान दी। पर युगांडा के थकेले सैनिक दुनिया के सबसे बेहतरीन जाबाजों के सामने क्या टिकते। पलक झपकते इजरायली कमांडोज ने युगांडा के इन सैनिकों को अपनी साइलेंसर लगे हथियारों से वहीं ढेर कर दिया। उसके बाद अपने साथ लाए 2 लैंड रोवर गाड़ियों में भरकर ये कमांडोज तेजी से उस इमारत की तरफ गए जहां बंधकों को रखा गया था। वहां पहुंचकर इन कमांडोज ने अंग्रेजी व हिब्रू भाषा में अपना परिचय बंधकों को देकर उन सभी को सुरक्षा के चलते फर्श के सहारे लिटा दिया और उनसे ही पूछकर उस मुख्य हॉल की तरफ बढ़े जहां अपहरणकर्ता निश्चिंत होकर पड़े थे। इन अपहरणकर्ताओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी मौत कुछ इस तरह से उनके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। देखते ही देखते इजरायली कमांडोज ने 7 अपहरणकर्ताओं को मौत की नींद सुला दिया, पर अपहरणकर्ताओं की तरफ से हुई गोलीबारी में 3 बंधकों की भी मौत हो गई। तब तक अलर्ट हो चुके युगांडा के सैनिकों ने एंटेबे एयरपोर्ट को घेरना शुरू किया। इसी दरमियान इजरायली कमांडोज सभी यहूदी यात्रियों व फ्रांसीसी चालक दल के सदस्यों यानी कुल 102 लोगों को लेकर 4th विमान में बिठाने लगे। उसी दौरान इजरायली ऑपरेशन के इंचार्ज लेफ्टिनेंट कर्नल योनातन नेतन्याहू को सीने में गोली लग गई। जवाबी कार्यवाही में इजरायली कमांडोज ने युगांडा के कम से कम 45 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही एंटेबे हवाई अड्डे पर खड़े 11 MiG विमानों समेत युगांडा के करीब 30 विमानों को नष्ट कर दिया ताकि ये उनका पीछा ना कर सके। महज 58 मिनट में इस लगभग असंभव ऑपरेशन को अंजाम देकर इजरायल के ये बेहतरीन कमांडोज वापस लौट गए। वापसी में घायल हो चुके लेफ्टिनेंट कर्नल योनातन नेतन्याहू ने दम तोड़ दिया, जबकि 5 कमांडोज जख्मी हुए थे। एक यहूदी बंधक डोरा ब्लॉक को वापस नहीं लाया जा सका क्योंकि उसे युगांडा की राजधानी कंपाला के मुलागो अस्पताल में अचानक तबीयत बिगड़ने पर भर्ती करवाया गया था। जब युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन वापस आया तो उसने गुस्से में डोरा ब्लॉक की अस्पताल के बिस्तर से ही खींचकर हत्या करवा दी। इस प्रकार अपने मात्र 1 सैनिक व 4 बंधकों को खोकर इजरायल ने वो असंभव सा कारनामा करके दिखाया था जो आज तक के मानव इतिहास में किसी ने नहीं किया। जब ऑपरेशन थंडरबोल्ट को अंजाम देकर ये जाबाज कमांडोज वापस अपने देश इजरायल पहुंचे तो अपार जनसमूह, पक्ष विपक्ष के नेता उनके स्वागत के लिए पलकें बिछाए इंतजार कर रहे थे। जाबाजों ने हिम्मत दिखाई तो ऊपर वाले ने भी कदम कदम पर इनका साथ दिया। इन बहादुर सिपाहियों को हमारा भी सलाम।